राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने अपने अपने पत्ते सीटों पर खोल दिए हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी भरतपुर विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे गुडामालानी विधानसभा सीट के बारे में। गुडामालानी विधानसभा क्षेत्र, जिसे कोमालानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये क्षेत्र खनिज तेल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बता दें गुडामालानी बाड़मेर जिले का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर करीब 2,59,007 मतदाता है। ये सीट जाट बाहुल्य सीट है और इसके अलावा यहाँ दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक बिश्नोई समाज का है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023 में होने वाले चुनाव में, यानी इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नल सोनाराम मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी ने के बिश्नोई को मैदान में उतारा है। वही अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय सीट से कांग्रेस के हेमाराम चौधरी ने 93,433 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लादूराम बिश्नोई के खाते में 69,859 वोट आए थे और उन्हें 13,570 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। गुडामालानी विधानसभा के लोगों का जीवन खेती और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आज भी कहीं ना कहीं गर्माया हुआ है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।